करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि स्टैंड बाई प्रॉब्लम बहुत कुछ पोजीशन से हो सकता है, बहुत कुछ रीजन से हो सकता है। बस आज का ये वीडियो के अंदर जो सिम्टम आपको दिखाऊंगा, वो दिखने के बाद क्या बताऊंगा कि मन में कभी नहीं आपको दिमाग नहीं चलेगा कि ये जो सिम्टम है, ये सिम्टम जो स्टैंड बाई प्रॉब्लम है, ये स्टैंड बाई प्रॉब्लम का जो रीजन ये पार्स प्रॉब्लम हो सकता है क्या। मतलब ये वीडियो के अंदर आपको जो पार्स चेंज करके दिखाऊंगा वो आपको दिमाग में कभी नहीं चलेगा, बट इसका जो वोल्टेज आप चेक करने के बाद आपका मन में लगेगा कि वो दूसरा अलग सेक्शन का ये फॉल्ट है। तो ये भी एक अलग सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो आपको पूरा प्रैक्टिकली कुछ भी पोजिशन काटिंग नहीं दूंगा, डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक फुल वॉच कीजिए, ठीक है दोस्तों, बहुत नॉलेज मिल जाएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बहुत ही छोटा सा एक मार्केट का किट है। तो इसका जो मेन प्रोसेसर आईसी आप देखिए, ये ट्रिपल वन का आईसी है। आप अच्छा करके एक बार देखिए, मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ट्रिपल वन का आईसी है, ठीक है, ट्रिपल वन 05PS बाई V3/3/AL7, ठीक है। ये प्रोसेसर आईसी है और इसका मेमोरी आईसी है 24C16, इसका मेमोरी आईसी है, ठीक है। तो ये सेट ऑन नहीं हो रहा है, मतलब कि स्टैंड बाई मोड पर है, कि इसका कुछ अलग प्रॉब्लम है, यह चेक करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ और ये कौन सा फॉल्ट है, कौन सेक्शन का फॉल्ट है, तो सब कुछ चेक करने के बाद पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं ये अलग पिक्चर ट्यूब पर ये लगाया, और अलग पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए अच्छा करके फॉलो कीजिए कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलता है। और मीटर को मैं देखिए 200 DC रेंज पर अभी सिलेक्ट किया, और इसी टाइम एक बार वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलता है। तो चलिए मैं सप्लाई तो दे दिया, सप्लाई देने के बाद देखिए इसका फर्स्ट ESD सप्लाई एक बार चेक करूँगा कि ESD सप्लाई अभी कितना वोल्ट है, कि ये डाइवर सॉरी पावर चॉपर से इसका ये जो सप्लाई वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर देखिए 112 वोल्ट ESD सप्लाई ओके है, और ESD पर ये सप्लाई जा रहा है कि नहीं ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो कौन सा ESD सप्लाई पिन है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 112 वोल्ट ESD सप्लाई वोल्ट ये ओके है, और ESD ऑन है कि नहीं है इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर वोल्टेज चेक करने के बाद पता चल जाएगा। तो इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर पर भी सेम वोल्ट। तो दोस्तों तो चलिए उसका बाद देखना पड़ेगा 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट, कि लगता है ये 180 वोल्ट का लाइन है, बीच में ये डायोड है, डायोड का पॉजिटिव साइड पर कितना वोल्ट। तो दोस्तों देखिए ESD सप्लाई ऐसा सेम वोल्ट है, तो मतलब इसका ESD ऑन नहीं है। तो ESD तो ऑन नहीं है, इसलिए और कौन कौन वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो चलिए मेमोरी सप्लाई फर्स्ट एक बार देखता हूँ कि मेमोरी का जो 8 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है, तो मीटर को यहाँ पर रखता हूँ। देखिए दोबारा आपको दिखाता हूँ, मेमोरी सप्लाई 8 नंबर पिन पर 5 वोल्ट ये भी ओके है। तो उसका बाद चलिए एक बार ड्राइवर सप्लाई देखना पड़ेगा कि ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, तो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए वोल्टेज यहाँ पर मौजूद है 31 वोल्ट, और इसका आउटपुट वोल्टेज भी एक बार देखना पड़ेगा कि कॉइल तो काटा नहीं है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज दोस्तों क्या बात है, इसका आउटपुट वोल्टेज तो दोस्तों 9-10 वोल्ट का आसपास, दोस्तों 9-10 वोल्ट का आसपास, मतलब इसका इनपुट वोल्ट। तो चलिए PCB थोड़ा हिल रहा है, तो थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसका ड्राइवर सप्लाई वोल्ट जितना मिलता है, अब देखिए इसका ड्राइवर सप्लाई वोल्ट अभी इसी टाइम देखिए 30 वोल्ट 31 वोल्ट का आसपास, और ड्राइवर सप्लाई का आउटपुट वोल्ट 10 वोल्ट। तो मतलब जो एच आउट सिग्नल मेन प्रोसेसर आईसी से ये ड्राइवर पर आ रहा है, बट तब भी ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऑन नहीं हो रहा है, हो सकता है कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर ये तो शॉर्ट नहीं है, कि ओपन नहीं है, ये भी हो सकता है। तो चलिए कुछ टेस्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये मेन आईसी इसका सप्लाई होल्ड। तो ये मेन आईसी का ये लगता है 1 नंबर पिन, और ये 200 रेंज पर रख के आपको दिखाता हूँ कि ये 2 नंबर पिन पर
ये दो नंबर पिन एक सप्लाई पिन है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है, और इसका 3 नंबर पिन भी एक सप्लाई लाइन है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट से 8 वोल्ट आना चाहिए। बहुत पीसीबी के अंदर यहाँ पर 8 वोल्ट देखा जाता है, 5 वोल्ट भी देखा जाता है, 6-7 वोल्ट भी देखा जाता है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट, तो लगता है ये वोल्ट भी ओके है। तो और क्या देखना पड़ेगा, ये जो डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है, डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर 0.4 वोल्ट का आसपास आना चाहिए, जो एच आउट सिग्नल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 0.67 वोल्ट का आसपास ये शो हो रहा है, मतलब सिग्नल भी आ रहा है, डाइवर पर सप्लाई भी ओके है, ESD सप्लाई ओके है, तब भी ESD ऑन नहीं है। तो चलिए आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देखिए TV अभी चालू नहीं है, तो इस तरह कुछ भी लाइट नहीं है, तो आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाया, तो और क्या देखना पड़ेगा। तो इसी तरह प्रॉब्लम, तो दोस्तों ये आउटपुट सेक्शन का कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, तो नॉर्मल मीटर से चेक करने के बाद इस तरह ये देखा जाता है। बट मैं बहुत चेक करने के बाद आपको इसी टाइम एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए क्रिस्टल प्रॉब्लम से भी हो सकता है, बट क्रिस्टल प्रॉब्लम होगा तो जो एच आउट सिग्नल का भी आउटपुट नहीं होगा। आपको इसी टाइम दिखाता हूँ, देखिए ये जो मेमोरी आईसी है, ये मेमोरी आईसी बेस के अंदर ही कनेक्शन है। ये मेमोरी आईसी को ओपन करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए मेमोरी आईसी का मैं साइड कर देता हूँ, और यहाँ पर और एक मेमोरी आईसी है, तो चलिए ये मेमोरी आईसी को 1 नंबर पिन ये देख के ठीक से लगाना पड़ेगा। तो आपका सामने एक बार लगाता हूँ, लगाने के बाद आपको डायरेक्ट सप्लाई देके देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। आपको मेमोरी सप्लाई भी चेक करके दिखाया, तो मेमोरी तो कनेक्ट कर दिया, और उसका बाद चलिए एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि TV चालू होता है कि नहीं। देखिए मैं सप्लाई तो दे दिया, सप्लाई देने के बाद इसी टाइम एक बार ESD सप्लाई आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए 111 वोल्ट ये ESD सप्लाई है, और 180 वोल्ट सेम वोल्ट आपको देखा, इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ कि 180 वोल्ट ये जो लाइन है यहाँ पर देखिए अभी वोल्टेज बढ़ गया। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, देखिए 180 वोल्ट लाइन का वोल्टेज अभी बढ़ गया, 177 हो गया। अब अच्छा करके देखिए 177 हो गया, ये 180 वोल्ट लाइन, मतलब ESD ऑन हो गया। चलिए स्क्रीन पर आपको देखना पड़ेगा कि, तो दोस्तों देखिए TV अभी चालू हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों इसी टाइम आपको चलिए और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि मेमोरी आईसी चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, तो मेमोरी आईसी का SCL और SDA पिन वोल्टेज आपको नहीं दिखाया। तो चलिए अभी इसी टाइम आपको ये पुराना मेमोरी लगाने के बाद एक बार SCL और SDA वोल्टेज टेस्ट करके देखूँगा कि कुछ फर्क सिम्टम कुछ आता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो PCB को थोड़ा सेट करना पड़ता है, तो PCB को थोड़ा सेट किया, तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, देने के बाद इस तरह इसी टाइम आपको फिर भी दिखाता हूँ ESD सप्लाई अभी देखिए 120 वोल्ट और 180 वोल्ट लाइन का वोल्ट देखिए सेम वोल्ट, मतलब ESD अभी ऑन नहीं है। देखिए TV चालू नहीं है, फिर भी ऑफ हो गया। दोस्तों ये मेमोरी का सप्लाई आपको एक बार दिखाता हूँ, आप दोबारा देखिए मेमोरी का 8 नंबर पिन पर 5 वोल्ट सप्लाई ये ओके है, और उसका बाद ये हो सकता है नेगेटिव, और SCL और SDA वोल्ट आपको दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों SCL SDA वोल्टेज भी ओके है। अब देखिए ये जो पिन है, ये पिन वोल्टेज देखिए 5 वोल्ट, ठीक है, ये 5 वोल्ट ओके है, थोड़ा सा और 0.4 कम होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। देखिए ये पिन पर भी 5 वोल्ट, तो मेमोरी का वोल्टेज भी कुछ गड़बड़ नहीं मिला, तब भी इसी तरह यह फॉल्ट है, ठीक है। तो चलिए फिर भी सप्लाई ऑफ करके आपको और कॉन्फर्म करके दिखाता हूँ कि मेमोरी आईसी चेंज करके, ठीक है। तो आपको सामने ही मैं एक बार मेमोरी आईसी को चेंज करके ऑन करके दिखाया, और इसी टाइम और एक बार ये मेमोरी आईसी को चेंज करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों ये मेमोरी आईसी ब्लैंक मेमोरी आईसी है, मैं पहले से ये मेमोरी आईसी को ब्लैंक करके रखा है। तो चलिए मेमोरी तो लगाया, एक बार सप्लाई देके देखता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया और टीवी स्क्रीन पर फॉलो करना पड़ेगा कि टीवी चालू होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों टीवी फिर भी चालू हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर ना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।